तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टॉक का नाम बता देंगे, कौन सा स्टॉक हमने बाय किया है, जिस डेट पर हम बाय करेंगे वो बाय डेट हम यहाँ पर बताएंगे, स्टॉक का बाइंग प्राइस हम यहाँ पर डालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने बाय किए हैं उसको हम यहाँ पर बता देंगे, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा रखा है, जो भी स्टॉक का करंट प्राइस होगा वो यहाँ पर अपने आप निकल कर आएगा। इसके बाद यहाँ पर है मार्केट वैल्यू, तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट मार्केट वैल्यू होगी वो हमको यहाँ पर शो होगी। ये वैल्यू यहाँ पर कैसे आ रही है, स्टॉक का करंट प्राइस मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बाय कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा करंट मार्केट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक के अंदर अभी हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हमको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के अंदर शो होगा, कितना परसेंट अभी हमने इस स्टॉक के अंदर गेन किया है या लॉस किया है। इसके बाद यहाँ पर है पीरियड, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाएंगे कि इस स्टॉक को हमने कितने दिन हुए हैं बाय किए हुए। इसके बाद यहाँ पर है चार्ट, तो बेसिकली यहाँ से हम ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि स्टॉक का भी क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी ये चार्ट है 500 डेज का, इसको हम 250 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि आगे एंट्री हम कैसे करेंगे, तो सीरियल नंबर हम ऐसे ही डालते चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है स्टॉक नेम, तो स्टॉक नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए स्टॉक का नाम हम यहाँ पर डालेंगे, अभी जैसे हम रिलायंस डालते हैं तो यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, डेट डालेंगे किस डेट पर हमने इसको बाय किया है, बाकी सिर्फ हमें क्वांटिटी डालनी है और बाइंग प्राइस डालना है, बाकी आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये अपने आप निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। सिंपली इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, तो ये सब चीज़ अपने आप निकल कर आ जाएगी।